जी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रोल नंबर 8 है, अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट वर्ब टू एंड मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि नीदर द बायर, एक जो सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, नॉर द सेल्स मैनेजर्स, सेल मैनेजर्स, एक सब्जेक्ट ये है। सो एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये, तो हमने किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो इसकी वजाहत ये है कि जिन वर्ड्स, जिन सेंटेंसेस में ये वाली कॉम्बिनेशन आ जाए, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनको हम को रिलेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो जब ये आ जाए तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, कि जो सब्जेक्ट वर्ब वर्ड टू है, दूसरा जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग लगाना है, ना कि पहले के अकॉर्डिंग। चलिए इसके प्रैक्टिस करते हैं। ईदर सर्टन केमिकल्स और हीट, पहले जो है केमिकल्स प्लूरल है, उसके बाद हीट इस्तेमाल हुआ है वो सिंगुलर है, तो हमने ईदर और का इस्तेमाल हुआ है तो हमने हीट के अकॉर्डिंग लगाना है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो हीट सिंगुलर है तो हम वॉज को टिक करेंगे, तो वॉज इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इधर द ऑब्ट्यूज क्वेक और द कैमल मैन, कैमल मैन अब यहाँ पर प्लूरल आ गया है तो हम वर लगाएंगे। नीदर द सोल्जर्स प्लूरल, नॉर द किंग सिंगुलर, अब नॉर के साथ सिंगुलर है तो हम सिंगुलर को टिक करेंगे, तो दिस इज आवर राइट ऑप्शन। एंड नाउ दिस इज द प्रैक्टिस वर्क फॉर यू, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड यू कैन प्रैक्टिस इट अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन।